हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोग के लिए एक छोटा सा करंट अफेयर्स का लेक्चर, जो मुझे लगता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक में, या पहले एक नाम की, वो नाम आप लोग लिखिएगा, सात्विक एंड चिराग। ठीक है, सात्विक एंड चिराग, ये दो नाम क्यों न्यूज में रहे? ये दोनों जो हैं आपके क्या हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। इन्होंने एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप, ठीक है, एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप में, आफ्टर, बहुत बड़ी बात है, आफ्टर द गैप ऑफ 58 ईयर्स जो है वो क्या जीता है, आपका गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इनकी जोड़ी ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ें और एग्जाम में आ भी सकता है। इसके पहले अगर हम बात करें कि किसी ने अगर गोल्ड मेडल जीता इस एशियन चैंपियनशिप, बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो वो आपके थे दिनेश खन्ना। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, दिनेश खन्ना। इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो 1965 में जो है वो जीता था, और अब मौका हमें मिला है 58 ईयर्स के बाद कि भाई हम ये गोल्ड मेडल ला सकें, ला चुके हैं मतलब। और ये सात्विक और चिराग ने जो है किसको हराया, तो मलेशियन जो आपके प्लेयर्स थे उनको हराने के बाद जो है ये गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया। इसलिए भी बच्चों ये गोल्ड मेडल बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक आपका पोर्ट जो कि न्यूज में रहा तो आ सकता है, वो पोर्ट का जो नाम है वो है सितवे पोर्ट। ठीक है, सितवे पोर्ट। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो ये सितवे पोर्ट है, इसका जो कमांडिंग, जो ऑपरेशन है वो इंडिया ने शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये सितवे पोर्ट जो है वो है कहाँ पर? तो भाई ये जो सितवे पोर्ट है वो आपका म्यांमार, या जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे वहां पर। यहाँ एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो म्यांमार या बर्मा है वो ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के साथ साथ इस पर भी कब्जा कर रखा था। तो ब्रिटिश इंडिया से कब आजाद हुआ, तो आप देख करके आइएगा, 1935 में जो है ये म्यांमार या बर्मा जो है वो आजाद था। अब यहाँ से एक और असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको एक नोट्स बना लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट की वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, हमारी नॉर्थ ईस्ट की वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ म्यांमार की बाउंड्री जो है वो शेयर होती है। नॉर्थ ईस्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर भी बोलते हैं। तो सेवन सिस्टर्स की वो कौन कौन सी कंट्री है जिनके साथ म्यांमार जो है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। और अगला एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये सेवन सिस्टर्स में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री म्यांमार के साथ शेयर होती है, और सबसे छोटी कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो है वो म्यांमार के साथ शेयर होती है। तो यहाँ तो देखो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग कहाँ पे लिंकअप कर लेंगे, ज्योग्राफी में भी लिंकअप करते हुए साथ साथ में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये असाइनमेंट समझ में आ गया होगा, और आप लोग ये असाइनमेंट अपनी कॉपियों में कर भी लें। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो क्या लॉन्च किया है, डिजिटल हेल्थ कार्ड। ठीक है, डिजिटल हेल्थ कार्ड। ठीक, ये डिजिटल हेल्थ कार्ड में क्या है, जितने भी आपके फिजियोथेरेपी पैरामीटर्स होते हैं उनको क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा बच्चों का, फिजियोथेरेपी पैरामीटर्स। अब फिजियोथेरेपी पैरामीटर्स क्या हो गया, जैसे कि उनका बच्चों का जो आपका क्या है, नॉक नी तो नहीं है, लेग्स या हैंड्स की हड्डियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई साइट उनकी बराबर है, टीथ सारे बराबर उनके आ रहे हैं, हियरिंग जो है वो कहीं लॉस तो नहीं, ये सब चीज़ें अपडेट करके उनका क्या बनेगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम लोग देखें तो। फिर अगला न्यूज़ में आपका प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय, ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट संजय जो है ये किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी, इज रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी। अब प्रोजेक्ट संजय में है क्या, इस प्रोजेक्ट संजय के अंदर में इंडियन आर्मी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। ठीक
टेक्नोलॉजी वाइज, लीथल वेपन वाइज, और जो भी मॉडिफिकेशन या एआई को इंट्रोड्यूस करना है वो इंडियन आर्मी में किया जाएगा। इससे रिलेटेड, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्मी से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट पहले भी शुरू किए गए हैं, जैसे कि समा प्रोजेक्ट, ये भी इंडियन आर्मी में शुरू किया था, ठीक है, समा प्रोजेक्ट। इसके बाद ई आपका स्टीरअप प्रोजेक्ट था हमारा, स्टीरअप प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट अनुमान, ठीक है, ये भी आपका मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्मी था, प्रोजेक्ट अनुमान। और प्रोजेक्ट इंद्र, प्रोजेक्ट इंद्र। तो एग्जाम में बच्चों, अगर आपके आ जाए कि ये कुछ मॉडिफिकेशन या इंडियन आर्मी को कैसे मॉडिफाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमें कभी भी ऐसा हो सकता है भाई उनसे इंट्रैक्शन हो जाए, जैसे चाइना की आर्मी है वो बहुत मॉडिफाइड हो चुकी है एज कम्पेयर टू इंडियन आर्मी के मुकाबले अभी। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी जो है वो इस पे खास वेटेज दे के मॉडर्नाइजेशन को बढ़ा रही है। और धीरे धीरे ड्रोन्स का इंट्रोडक्शन हो गया, सेटेलाइट फोन्स तो बहुत पहले से, पर सेटेलाइट डायरेक्ट लिंकअप होना हो गया इंडियन आर्मी के पास, उसका लिंक होना हो गया। और आपका जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर द सुपरमेसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, उसका भी इंट्रोडक्शन बहुत कुछ हद तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम और क्वेश्चन देखें तो मोनलम चैनमो, ठीक है, मोनलम, MONAM, मोन सॉरी LAM, मोनलम चैनमो, चैनमो जो है, मोनलम चैनमो जो है वो उत्सव जो है हर साल कहाँ मनाया जाता है, तो आप टिक करके आएगा, ये उत्सव जो है हर साल लेह में जो है वो सेलिब्रेट किया है। कई बार ये जो आपके सेलिब्रेशंस होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आपके अंडर द वाटर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए, तो आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन अंडर द वाटर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम अंडर द वाटर। इसको दो लोग मिलकर वो कर रहे हैं, एक आपका DRDO, प्लस क्वेश्चन पूछेगा कि किस IIT के साथ, तो आप टिक करके आएगा IIT मद्रास के साथ। तो ये दोनों जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कम्युनिकेशन अंडर द वाटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको जितना हो सके और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे IIT का नाम पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका लव इन दी 90s, लिख लीजिएगा पहले आप लोग, लव इन दी 90s, ठीक है। ये आपकी एक मूवी है और ये किस कम्युनिटी पे बेस्ड है और किस स्टेट की है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी है आपकी तागिन कम्युनिटी, ठीक है, तागिन, TAGIN, तागिन कम्युनिटी, उस पे ये फीचर फिल्म बेस्ड है। उनकी जो सोशल और सोशल जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ दिखाने की इस फिल्म में कोशिश की गई है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला देखिए, पोषण भी पढ़ाई भी, ये प्रोग्राम शुरू किया गया, इसको लिख लीजिए पोषण, POSHN, पोषण, पोषण भी और उसके बाद पढ़ाई भी, ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है बादी स्मृति ईरानी। और ये जो प्रोजेक्ट है पोषण भी पढ़ाई भी, इसमें 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, जो कि आपके कहाँ जाते हैं 6 वर्ष से कम के बच्चे, भाई हमारे यहाँ क्या होती है कॉन्सेप्ट आंगनवाड़ी का, ठीक है, आंगनवाड़ी का होता है कॉन्सेप्ट, वहां पर ये बच्चे, जैसे कि शहरों में प्ले स्कूल होता है, वैसे कि अधिकतर आपके रूरल और रिमोट एरिया में क्या होते हैं, ये आंगनवाड़ी होते हैं। तो वहां पर ये पोषण भी पढ़ाई भी कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है कि 6 साल से कम के बच्चों का पढ़ाई भी, और साथ साथ में उनकी जो न्यूट्रिशनल स्कैसिटी है वो भी इस आंगनबाड़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यहाँ से एक और फैक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओवरऑल पूरे भारत में कितनी आपकी आंगनबाड़ी है, तो 14 लाख जो है हमारी क्या है आंगनबाड़ी है, जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है काम करते हैं। और सरकार बड़े इस पैसेज के थ्रू बहुत कुछ जो आपका जो पुअर पीपल है उनके बच्चों को बहुत अच्छी, मतलब नॉट कंपेयरिंग टू दी सिटीज, बट जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे मिला है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसकी है, कि अभी हाल में ही किस देश ने जो है इच्छा मृत्यु, है ना,
वो परमिशन दी है, तो आप टिकर के आएगा पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल ने इच्छा मृत्यु, अभी पूछेगा करेंटली किस कंट्री, यूरोपियन कंट्री ने इच्छा मृत्यु की परमिशन जो दी है, तो आप टिक करेंगे पुर्तगाल ने दी है। अब बात करें कि इसके पहले वो कौन कौन सी कंट्री है, दुनिया में पहली कौन सी कंट्री थी जिसने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी थी, तो आप टिक करिएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड ने ये जो परमिशन थी बच्चों, ये आपकी 2002 में दे दी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से नीदरलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री बनी जिसने अपने आप जो इच्छा मृत्यु है उसकी परमिशन दी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नीदरलैंड के बाद, बेल्जियम ने परमिशन दी, कोलंबिया ने परमिशन दी, लग्जमबर्ग ने परमिशन दी, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पार्ट जो उनका डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट है जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं, उन्होंने परमिशन दी, कनाडा ने परमिशन दी, और स्पेन ने परमिशन दी। बट यहाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कंट्रियों के नाम लिए हैं मैंने, या जो लेटेस्ट आपका पुर्तगाल है, उसमें जो परमिशन दी है वो इस बेसिस पे दी है कि जब उस ह्यूमन बींग का मेडिकल ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल हो और वो किसी पेन से या पैरालिसिस से गो थ्रू जा रहा हो, और वो नहीं चाहता कि भाई वो कैरी ऑन करे उस चीज को, उस केस में इच्छा मृत्यु मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई डिप्रेशन में है, कोई कोई बहुत उदास है, वो कहता है कि भाई मेरी लाइफ का कुछ हो नहीं सकता, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, उनके लिए इच्छा मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट अलाउड नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपके क्या वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की, इससे भी आने की पॉसिबिलिटी, एक क्वेश्चन है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की बात करें 2023 की, तो आउट ऑफ दी 180 नेशन हमारी जो पोजीशन दी गई है वो 161 दी गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई आप 180 में तो 161 बहुत नीचे है, बट ये जो आपका वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है जो कोई पब्लिश कौन करता है, पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक ये आपका क्या है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक आपका एनजीओ है। अब इसमें तो फिर एलिगेशन लगेंगे कि एनजीओ को कौन फंड करता है, फिर वो मैनिपुलेट करता है रिपोर्ट को, बट अगर हम न्यूट्रल मान के चलें जो है भी ये रिपोर्ट, ये हमारी बहुत वर्स मीडिया जो है इस समय हो चुकी है, इन्फ्लुएंस बहुत होती है एक पर्टिकुलर पार्टी से या एक पर्टिकुलर आपकी आइडियोलॉजी से, न्यूट्रल तरीके से काम नहीं करती है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो टॉप थ्री कंट्रीज की अगर हम बात करें जहाँ की सबसे अच्छी प्रेस मानी जाती है, यानी कि इक्वल लिबर्टी उसमें है, तो पहले नंबर पे आपका जो है नॉर्वे है, यानी कि इस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में नंबर वन पे अगर आएगा तो नॉर्वे टिक करना। दूसरे नंबर पे जो है बच्चों आपका वो आयरलैंड है, और तीसरे नंबर पे जो है बच्चों वो आपका डेनमार्क है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए छाटे हैं, आगे भी लाता रहूंगा। अगर आपने आखिरी तक अभी तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए कि उनको भी इसका कुछ बेनिफिट मिले।